नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। हमेशा दिव्यांगता के बारे में अपडेट देती हूँ, दिव्यांगता के बारे में जानकारी देते हैं और डिसेबिलिटीज के बारे में देते हैं कि पर्सन को किस तरह से डिसेबिलिटी आ सकती है और इसका क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, आजकल का जो माहौल चल रहा है वो बहुत ही ख़राब चल रहा है कि इसमें जो युवा शक्ति है या बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, वो इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं। दिमागी रूप से इतना परेशान है कि वो इससे नहीं बच पा रहे हैं और इसके लिए उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो हम किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज होते हैं, हम किसी भी चीज़ को इतने वो देखते हैं कि उसको हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत दे देते हैं और उसकी अहमियत देने की वजह से वो हमारी लाइफ में एक बैरियर बन जाता है और बैरियर बनने की वजह से हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते, यानी कि हम अपनी लाइफ में उससे आगे नहीं जा पाते हैं। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जैसे कि अभी एक लेटेस्ट आया है कि जो वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ, इंडिया ने 10 मैच लगातार जीते, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आज तक कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है कि जो नहीं जीत पाया, और जीत भी गया, इंडिया जीता है। तो वर्ल्ड कप नहीं जीता तो इसमें काफ़ी सारे हमारे जो इंडियंस हैं उनके माइंड पे इसका बुरा प्रभाव पड़ा, उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा था और ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, गेम है, गेम में हारना और जीतना लगा रहता है। लेकिन हमारे जो युवा है वो मानसिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से वो उसको लिए हार्मफुल हो गया। जैसे कि वेस्ट बंगाल के युवा हैं 23 ईयर के, यानी कि 23 साल का लड़का, जिसने 23 साल अपने माता पिता के साथ गुजारे थे, उसने एक वर्ल्ड कप की वजह से सुसाइड किया कि इंडिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता तो वो सुसाइड कर गया। ये कहाँ का रूल है कि अगर वर्ल्ड कप नहीं जीता तो हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे? ऐसा तो कभी होना नहीं चाहिए। और ये इस युवा के लिए, मैं सभी के लिए कह रही हूँ कि जो भी अगर आप मैच देखते हैं या कुछ भी आप इस तरह की एक्टिविटीज़ देख रहे हैं तो उसको अपने निजी जीवन के साथ मत वो इन्वॉल्व कीजिए कि जिससे हम अपनी लाइफ को ख़त्म करें। क्योंकि आप उनका देखिए जिन्होंने आपको पैदा किया, जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जो आपके साथ आने वाले फ्यूचर में जुड़ने वाले हैं या जो आपके साथ चल रहे हैं, जो आपके परिवार के मेंबर्स हैं, उनका सबसे बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, ना कि वर्ल्ड कप का या ऐसे लोगों का। जो जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला वो खेल के हार के घर चले गए, उनको भी किसी ने मोटिवेशन किया होगा कि कोई बात नहीं, 4 साल बाद फिर ये आ जाएगा, फिर हम जीत सकते हैं। लेकिन आपकी लाइफ दोबारा नहीं आएगी। और इस सुसाइड मामले में तो कभी भी अपने आप को मत लीजिए कि आप सुसाइड करेंगे, और आत्महत्या करना सबसे बड़ी गलत बात है। और जिस तरह इस युवा ने किया है, ये तो अब उनके परिवार से पूछिए कि उनका क्या हाल होगा। उनके पीछे से वर्ल्ड कप वाले उनको सांत्वना देंगे या वर्ल्ड कप वाले वो उसके परिवार को संभालेंगे? परिवार को कौन संभालेगा? तो इस तरह के जो बच्चे इस तरह की मानसिक धारा में है कि मैच को जीतना हारना, मैच में हमेशा हार जीत होती है, एक टीम हारेगी एक टीम जीतेगी, तो मैच को अपने निजी जीवन के साथ मत जोड़िए, अपने परिवार का जरूर सोचिएगा। और सभी के लिए एक ये मैसेज है, ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि ये मानसिक बीमारी मत बनाइए, क्योंकि हमारी डिसेबिलिटी और दिव्यांगता बहुत बढ़ती जा रही है। हम 21 डिसेबिलिटी से तो लड़ रहे हैं, लेकिन 21 डिसेबिलिटी के अंडर अगर ये मानसिक बीमारी और इस तरह की बीमारियां और बढ़ने लग गई तो हम कहां तक लड़ेंगे? तो सभी के लिए ये मैसेज है कि प्लीज़ किसी भी चीज़ को इतनी अहमियत ना दीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी से के साथ खेल जाए। वो मैच था, मैच की तरह देखिए, हार गया कोई बात नहीं, नया आ जाएगा, दोबारा जीतेंगे। तो पहले भी तो इंडिया 3 बार ला चुका है ना, 3री बार वर्ल्ड कप लाने की कोशिश तो कर रहा था, हर बार कोशिश करते हैं तो लाएंगे, कोशिश ना करेंगे तो कहां से लाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपने बच्चों को, पेरेंट्स को यही कहूँगे, अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर वो इस तरह की एक्टिविटी या इस तरह की मानसिक धारा में व्यतीत हो रहे हैं या इस तरह के जीवन में जी रहे हैं कि वो किसी चीज़ को इतना सीरियसली ले रहेंगे वो अपनी लाइफ ख़राब कर सकते हैं, तो उनके साथ बैठिए, उनके विचारों को सुनिए और उनसे बात कीजिए। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम आती है इस तरह की, तो आप मेरे से कॉल्स पर बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके। इसके साथ ही डॉक्टर अमन, धन्यवाद।